तो मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि एमआईएम पार्टी जो है, एमआईएम पार्टी ने हमारे लिए क्या किया है, जो इम्तियाज जलील खासदार है इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, हम देख रहे हैं स्टार्टिंग के जो उनके आमदार का जो पहले उन्होंने अपना खुद का बंगला बनाया, उसके बाद देखे हमने उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके सपोर्टर थे, जो उनके पदाधिकारी थे, अभी सैयद मतीन जो मतीन खान है उनका उनके ऑफिस के बाजू में घर तोड़ा गया। मैं लेबर कॉलोनी पर बुलडोजर चलने नहीं दूंगा। इनके इसी भड़काव भाषण की वजह से, सरकार के खिलाफ भाषण देने की वजह से सरकार किसी और की, और ये पंचर गाड़ी पे हमने भरोसा किया और इन्होंने क्या किया, हमको बीच रास्ते में अटका दिया, लेबर कॉलोनी पर पूरा बुलडोजर चल गया। और आप रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अब आप देखिए जब ये कटकट गेट पर ये इन्होंने एंट्री लिए थे, मैंने सबको बोल दिया था कि कटकट गेट जब टूटने की बात आई तो कटकट गेट 100% टूटने वाला है, जहां पे इम्तियाज जलील ने कदम वही शक्तु जो मैंने आईपीएस आईएएस कलेक्टर सबके ऊपर मैंने कार्रवाई किया हो, मैंने आईजी पे कार्रवाई किया हो, मैंने निखिल गुप्ता कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऊपर मैंने कार्रवाई किया हो, क्यों किया हो कि लोगों के लिए मैं काम करता हूं और मेरा जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। इन्होंने जो मुस्लिम का और मुस्लिम का मामला था, मुस्लिम वर्सेज मुस्लिम था, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, पुलिस वर्सेज मुस्लिम का मामला था, इसको एक दंगल और राम मंदिर दंगल का नाम देने वाले इम्तियाज जलील साहब, जब इम्तियाज जलील साहब वहां पहुंचे, इम्तियाज जलील साहब को ईंटों से जब धोया जा रहा था, इम्तियाज जलील साहब अपने आप को बचाने के लिए राम मंदिर में गए और ये बता दिया कि मैंने राम मंदिर को बचाया। राम मंदिर को खतरा ही नहीं था, राम मंदिर का कोई मामला ही नहीं था। वहां पे आप देखेंगे राम मंदिर के बाहर जो इनके ये लगे थे, जो देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। देखिए बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वसीम भाई आप एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी से आप डायरेक्ट आपने जो है तो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, ऐसा क्यों हुआ, पहले आप एमआईएम के सपोर्टर हुआ करते थे, एमआईएम को सपोर्ट किया करते थे, फिर अचानक से आप ये पार्टी को छोड़कर आप भारतीय जनता पार्टी आपने क्यों ज्वाइन कर लिया। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि एमआईएम पार्टी जो है, एमआईएम पार्टी ने हमारे लिए क्या किया है, जो इम्तियाज जलील खासदार है इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, हम देख रहे हैं स्टार्टिंग के जो उनके आमदार का जो उनका पीरियड था, आमदार के उन्होंने कुछ साल जो गुजारे, तो सबसे पहले लोग कोई भी अगर हमारा हम अगर जिसको चुनकर लाते हैं तो उसको चाहिए कि वो विकास पर ध्यान दे, सबसे पहले गरीबों के लिए क्या करना चाहिए, विकास के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले उन्होंने अपना खुद का बंगला बनाया। उसके बाद देखे हमने उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके सपोर्टर थे, जो उनके पदाधिकारी थे, अभी सैयद मतीन जो मतीन खान है उनका उनके ऑफिस के बाजू में घर तोड़ा गया, तो यहाँ पे खासदार आमदार जिसको चुनकर लाए हैं उनका वो आमदार से खासदार बना दिए गए इन्हीं लोगों के बलबूते पे, हम जैसे लोगों के बलबूते पे, और उसके बाद उनके घर टूट रहे हैं और खासदार इम्तियाज जलील साहब का घर बन रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ रहने का हमारा क्या फायदा। ये हमको कहते हैं कि चलो नुपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी की, चलो हम उस पर गुनाह दाखिल करते हैं, तो एफआईआर तो दूर की बात, एक नुपुर शर्मा पर एक एनसीआर नहीं किया गया और हमारे मुस्लिम 1500 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसमें से कई लोगों को मैंने वहां से पुलिस स्टेशन से निकाल कर लेकर आया हूं। उसके बाद जब आप देखोगे लेबर कॉलोनी का मामला, आप देखो कि लेबर कॉलोनी में मैं लेबर कॉलोनी पर बुलडोजर चलने नहीं दूंगा, इनके इसी भड़काव भाषण की वजह से, सरकार के खिलाफ भाषण देने की वजह से सरकार किसी और की, और ये पंचर गाड़ी पे हमने भरोसा किया और इन्होंने क्या किया, हमको बीच रास्ते में अटका दिया, लेबर कॉलोनी पर पूरा बुलडोजर चल गया। और आप रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अब आप देखिए जब ये कटकट गेट पर ये इन्होंने एंट्री लिए थे, मैंने सबको बोल दिया था कि कटकट गेट जब टूटने की बात आई तो कटकट गेट 100% टूटने वाला है, जहां पे इम्तियाज जलील ने कदम रख दिए, तो सबने पूछा कि क्यों, मैंने कहा ये जहां कदम रखते हैं वहां पे सिर्फ नुकसान ही होता है। कटकट गेट जब टूटने वाला था, भारतीय जनता पार्टी के संजय केनेकर साहब ने इसमें इतना बड़ा योगदान दिए है, संजय केनेकर साहब ने आज कटकट गेट टूटने से बचाया, किसने बचाया, भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में। और आप देखोगे आज एमआईएम में जितने भी लोग हैं, आज जो कैंडल मार्च इन्होंने निकाला था, 1000 से 15 लोगों पर आज मेरे पास एफआईआर मौजूद है, 1000 से 15 लोगों पर आज एफआईआर दर्ज किया गया, इनके जितने कार्यकर्ता इन पर ऐसी ऐसी एफआईआर दर्ज हुए जो कि होना नहीं चाहिए, जैसे कि आज सरकार ने देशी दारू को लाइसेंस दिया है, ये जाते हैं चेलीपुरे में और देशी दारू को तोड़ दिया जाता है, तो इनको कानून क्या है, इनको पता ही नहीं है कि सरकार ने इनको लाइसेंस दिया, हम कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे हम इसको बंद करवा सकते हैं, इन्होंने इनके अपने कार्यकर्ता पर और खुद पर एफआईआर दर्ज कर दिया। आज इन्होंने ऐसे करके, आज पता है कि भाई लोड सेटिंग है, बिजली का प्रॉब्लम है, तो कोई निवेदन देना चाहिए, कुछ लीगली एक्शन लेना चाहिए, इन्होंने ये नहीं किया, इनके पदाधिकारियों को लेकर गए और वहां पे जो है तो एमएससीबी में हंगामा किए और इनके पदाधिकारियों पे गुनाह दाखिल हुए। तो इस तरह के जो ये गैर कानूनी काम करते, इनको खुद को नहीं पता है कि किस तरह से काम किया जाता है, आज तक इन्होंने कोई भी काम में हाथ डाला है, अपने पदाधिकारियों को भी नुकसान दिया है। आज जब भी इलेक्शन का टाइम आता है आप देखिए इनके पदाधिकारियों के जो है तो तड़ीपार निकल जाते हैं, इनके तड़ीपार के ऑर्डर्स निकल जाते हैं, ये क्या आपका साथ देंगे बताओ,
कहीं पे आज आप हमारे पास आते हैं तो आज हम किसी से भी भिड़ जाते हैं। आज आप देखोगे कि मैं एक वाहिद शख्स हूँ जो मैंने आईपीएस आईएएस कलेक्टर सबके ऊपर मैंने कार्रवाई किया हो, मैंने आईजी पे कार्रवाई किया हो, मैंने निखिल गुप्ता कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऊपर मैंने कार्रवाई किया हो। क्यों किया हो? कि लोगों के लिए मैं काम करता हूं और मेरा जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है इसीलिए। लेकिन जब जब हम एमआईएम के पीछे जाते हैं, एमआईएम के सारे कार्यकर्ता जो है इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड बन चुका है। आज इनके ऊपर ये खुद के ऊपर एक एनसी लेना नहीं चाहते क्योंकि इनको पता है इलेक्शन के टाइम पे हमको तड़ी पार कर दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों के पीछे आप जाके क्या करोगे? आप मुझे बताइए कि एमआईएम ने खासदार ने हमारे लिए क्या किए? आज जब किराड़पुरे का मामला आ गया, आप मुझे बताओ किराड़पुरा मामले में आज हमने, आज मीडिया के माध्यम से मैं बताना नहीं चाहता लेकिन बताऊंगा, हमने कहीं पुलिस ऑफिसर के पास जाके कैसे कैसे हमको छुड़ाना था। इसमें संजय केनेकर साहब है, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों से हमने मदद लेकर हमारे बच्चों को बाहर निकाला है, कई लोगों को, और जो बच्चे उठाने बंद हुए इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इनके जो पदाधिकारी है, पहले तो इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये कहा। तीसरी बात, जब ये वहां पे गए, जब दंगल हुआ, दंगल में गए तो इन्होंने जो मुस्लिम का और मुस्लिम का मामला था, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम था, यहाँ पे क्या किए इन्होंने, पुलिस वर्सेस मुस्लिम का मामला था, इसको एक दंगल और राम मंदिर दंगल का नाम देने वाले इम्तियाज जलील साहब, जब इम्तियाज जलील साहब वहां पहुंचे, इम्तियाज जलील साहब को ईंटों से जब धोया जा रहा था, इम्तियाज जलील साहब अपने आप को बचाने के लिए राम मंदिर में गए और ये बता दिया कि मैंने राम मंदिर को बचाया। राम मंदिर को खतरा ही नहीं था, राम मंदिर का कोई मामला ही नहीं था। वहां पे आप देखेंगे राम मंदिर के बाहर जो इनके ये लगे थे, जो उनका कमान जो बना हुआ था, वो कमान के जो पिलर थे वो कपड़े के थे। तो क्या जब पुलिस की गाड़ियां जला दी जा रही थी तो कपड़े के वो पिलर को जलाने को कितना टाइम लगता है? वहां पे झंडे उनके लगाए हुए थे। तो ये मामला कोई हिंदू मुस्लिम का मामला, इतना बड़ा मामला नहीं था जिसको राम मंदिर दंगल का नाम दे दिया गया। मैंने राम मंदिर बचाया और उसके बाद कहा गया कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसके बाद जो लोग आज ये जब इनके पास में वोट के लिए जाते हैं, वोट की भीख मांगने के लिए जाते हैं, तब ये इनको नशा करने वाले बटन प्लेयर, इनको नशा करने वाले, नशा बेचने वाले नजर नहीं आते हैं। और आज जब ये किराड़पुरा दंगल का मामला आ जाता है, इनको जब ईंटों से धोया जाता है, तब ये कहते हैं कि ये नशा करने वाले थे, बटन प्लेयर थे। आज आप बताइए कि गफ्फार कादरी जो कि एमआईएम के जो है तो प्रेसिडेंट है, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, गफ्फार कादरी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ये लेटर लेके जाते हैं कि लोगों को ये लेकर जाना चाहिए था कि जो मुस्लिम बच्चों को उठाया जा रहा है, मुस्लिम बच्चों के ऊपर जो है तो बेगुनाह बच्चों पर जो एफआईआर में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, इनको अरेस्ट ना किया जाए, ये जाकर निवेदन देना चाहिए था, ये एप्लीकेशन कमिश्नर को करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ये एप्लीकेशन की जगह अपना इंटरव्यू में भाषण में कह रहे हैं कि वहां पे दो नंबर के धंधे चल रहे हैं किराड़पुरे में, वहां पे ये कह रहे हैं कि वहां पे गांजे के धंधे चल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वहां पे जो है तो प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है। जिस मुस्लिम बहनें, जो हमारी मुस्लिम बहनों पे आप जो है तो वैश्या का आरोप लगाते हैं, उन्हें धंधा करने वाली बताते हैं, क्या ऐसे लोगों के पीछे हमने जाना चाहिए? आप बताओ, ऐसे लोगों के पीछे जाना चाहिए जो अपनी मुस्लिम बहनों को तुम समाज में जो है तो बदनाम कर रहे हो, वैसा कह रहे हो, तुम अपनी मुस्लिम बहनों को धंधा करने वाली कह रहे हो, क्या प्रोस्टिट्यूशन का मतलब किसी को समझता नहीं है कि क्या है? तो ये जो एमआईएम के लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपका मिसयूज कर रहे हैं। और हमने ये देख लिया कि एमआईएम के जो खासदार है, खासदार साहब का वैल्यू एक जो बीजेपी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष जो काम करता है, उसके वो पावर है जो खासदार इम्तियाज जलील के नहीं है। आज हमारे मंडल अध्यक्ष के पास आप चले जाओ, आपका वो काम करके देंगे जो इम्तियाज जलील खासदार काम करके नहीं देंगे। कोई वैल्यू नहीं है इनकी, क्योंकि इन्होंने जो है तो लोगों को सिर्फ झांसे में लिया है। और आज भी इनका जो काम चलता है, कोई भी मुस्लिम मामला हो तो वहां पे मुस्लिम लीडर बन के जाते हैं और बाद में अपने मुस्लिम बहनों को वैश्या बताते हैं, धंधा करने वाली बताते हैं, और जो उनके वोटर्स है वो मुस्लिम भाई, उनको जो है तो बटन प्लेयर और नशा करने वाले बताते हैं, दो नंबर का धंधा करने वाले बताते हैं। ये कोई इनका काम है? इनके पीछे हमने जाना चाहिए? जब तुम वोटों की भीख मांगने जाते थे, वोट मांगने आते थे हमारे पास, तब तुमको वेश्या प्रोस्टिट्यूशन के काम करने वाले नजर नहीं आए? तब तुमको नशा करने वाले बटन प्लेयर नजर नहीं आए? तब तुमको जो है तो गांजा बेचने वाले और चरस बेचने वाले नजर नहीं आए? किराड़पुरे में दंगल होता है, तुमको ईंटों से मारा जाता है, तब जाके तुम जो है तो प्रोस्टिट्यूशन का इल्जाम लगाते हो, तुम नशा प्लेयर का इल्जाम लगाते हो? ये तुम जो काम कर रहे हो, ये आज मैं बता दूं कि एमआईएम के पीछे जाना ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने अपने जो है 8 साल वेस्ट किए। हमने पहले 3 साल, इन्होंने अपना सत्कार, जहां जाओगे आप वहां पे पता चलेगा कि एमआईएम इम्तियाज जलील साहब का सत्कार सत्कार में इन्होंने अपने एमआईएम के जितने साल थे वेस्ट किए। उसके बाद जब ये खासदार बने, खासदार के बाद ये जो है हम लोगों को गुमराह करके आज मुसलमानों के जो वोट्स है उसका जो है तो ये मिसयूज कर रहे हैं और मुसलमानों को जो है तो एक उनके इंसाफ जहां पे मिलना चाहिए, हम लोग अपने इंसाफ से भटक रहे। शेख मुनीर की गोली लगने से मौत, शेख मुनीर को जो गोली लगी थी, इनके ही जो पदाधिकारी है जो शारिक्ष नक्शबंदी है, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था और वीडियो में उन्होंने कहा था कि पुलिस की गोली से शेख मुनीर की मौत हुई है। उनका वीडियो आज भी मैंने संभाल के रखा हो। तो आप बताइए, जब ये खुद स्टेटमेंट देते हैं कि शेख मुनीर की गोली लगने से मौत हुई है, तो पुलिस की गोली लगने से तो 304 की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई पुलिस डिपार्टमेंट पे? आपका खासदार है, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया?
क्यों नहीं किया? जब आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि पुलिस की गोली लगी है तो 304 की एफआईआर पुलिस के ऊपर क्यों नहीं की गई? तो क्या हम ऐसे लोगों के पीछे जाए? अबू आसिम साहब ने पुलिस महासंचालक से मुलाकात करके पुलिस के ऊपर गुनाह दाखिल जांच करने की उनको निवेदन दिया है, इस पे क्या बोलना है? बिल्कुल देना चाहिए और उसमें 304 की एफआईआर दर्ज भी होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए 304 की, क्योंकि अगर पुलिस ये कहती है कि ये हादसे में मौत होगी तो 304 होना चाहिए, और अगर पुलिस ने जानबूझ के मारी है तो 302 होना चाहिए, और अगर ये गोली पुलिस की नहीं है ऐसा अगर पुलिस का कहना है तो शारिक नशबंदी का वीडियो ले लो, वीडियो से उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस की गोली से लगा है। आज आपके साथ कितने लोग शामिल हैं? आज हमारे साथ में एक लगभग हमने एक वीडियो मैसेज वायरल किया था कि हमारे लगभग 1000 लोग रहेंगे, लेकिन हुआ ये था कि हमारे कुछ जो आरके ग्रुप है और जो कि केके ग्रुप है, केके ग्रुप, आरके ग्रुप और एलोरा कंस्ट्रक्शन की तरफ से जो ब्लड कैंप डोनेशन का ये किया गया था प्रोग्राम, उसकी वजह से आज हमारे सारे लोग वहां पे बिजी होने की वजह से आज उतने लोग हमारे प्रवेश नहीं हुए, लेकिन अभी हमारा लगभग 2000 लोगों का अभी नेक्स्ट वीक में हम लोग ने प्रोग्राम रखा है, 2000 लोग अभी वापस मुसलमान जो है तो भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश करें। वसीम भाई तुम आगे बढ़ो,